الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نهایت عزت اور احترام کے لائق برادران ملت گزشتہ دو جمعۃ المبارک کے مواقع پر آپ کی خدمت میں حاضری نہ ہو سکی اس کی وجہ جاتے وقت میں نے گزارش کی تھی کہ ہم آئندہ آنے والے وقت کے لیے سوچ رہے ہیں کہ جب یہ مسجد کے قرب و جوار میں کئی منزلہ عمارتیں مکمل ہو جائیں گی یہاں دفاتر منتقل ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر مسجد میں نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں ہمیں جو دقت پیش آئے گی اس کے لیے پہلے سے کوئی انتظام کر لیا جائے اصولی طور پر تو یہ کام حکومتوں کا ہے یہ کام اداروں کا ہے مگر شاید حکومتوں اور سرکاری اداروں کے نصیب میں یہ بات ہے ہی نہیں جو پبلک سیکٹر میں جو کام ہوئے وہ بھی آپ نے دیکھے بہرحال ہم تو اپنی کوشش کاوش جاری رکھیں گے الحمدللہ آپ نے بھی بر وقت ایک بہت بڑا اشار کر کے مسجد کے قرب و جوار میں جگہ خرید لی اب ہم نے صرف تعمیر کرنی ہے جگہ خریدنے کی اب وہ ہمیں دشواری نہیں ہے اللہ کی ذات کوئی نہ کوئی اس کے لیے ذریعہ وسیلہ بنائے گی ہم یہاں سے نکلے تھے پنڈی اسلام آباد سے ہوتے ہوئے کراچی تک ہم گئے کئی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں کچھ لوگوں نے وعدے کیے کچھ نئے تجربات بھی ہوئے بالخصوص فیصل آباد اور کراچی میں چونکہ بڑے بڑے صنعت کار وہاں موجود ہیں جن کے لیے کسی مسجد کی تعمیر کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے بعض لوگوں کی ہم نے بڑی تعریف بھی سنی تھی ایسے لوگ فیصل آباد میں ایک بہت بڑے تاجر ہیں جن کے لیے ہم نے سنا تھا کہ مسجد نبوی میں ان کا دسترخوان وہاں بچتا ہے اور ہر روز مسجد نبوی میں وہ وہاں اللہ کے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں لیکن قریب جا کے بڑا افسوس ہوا
बहुत अफसोस हुआ करीब जाकर के, एक तरफ तो मस्जिद नबी में लंगर जारी है, दूसरी तरफ जब उनके करीबी हलकों से बात हुई तो मालूम ये हुआ उनका घी का काम है और घी में निहायत जहरीली चीजें शामिल करते हैं और घी का वजन भी 5 किलो का डिब्बा 4.5 या 4.25 का बना के बेचते। अब आप तजाद देखें इंसानी अमल में। जब हमें इस बात का पता चला तो हमने कहा ऐसे आदमी के पास हम जाते ही नहीं, जो आदमी मखलूक खुदा के साथ इतना धोखा करे, ग्रीस और इस तरह की चीजें वो साफ करके वो घी में मिलाते, यानी नाप में भी तोल में भी बेईमानी करें और जो चीज दे वो भी नाकस दे, तो बहुत बड़ा जुर्म है। इससे पहले शुएब अलैहिस्सलाम की कौम वो लोगों को कम तोल के देती थी, तो शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा वला तब खसुन नासा अशिया, लोगों को चीजें तोल में कम करके ना दिया करो। उस कौम पर अजाब नाजिल हुआ, लेकिन वो तोल में तो कमी करते थे लेकिन जो कुछ देते थे वो तो खालिस देते थे। ये ऐसे खुदा के दुश्मन, मखलूक के दुश्मन, के जो देते हैं वो भी कम देते हैं और देते हैं वो भी नाकिस और जहरीली चीज देते हैं, और दूसरी तरफ मस्जिद नबी में इनका लंगर भी चलता है, ये भी बेईमानी है। सरमायादार अब खुदा के साथ भी धोखा करता है, वो खुदा का नाम इस्तेमाल करता है। मस्जिद नबी में लंगर का मतलब ये है कि आलम इस्लाम में वाहवाह हो जाएगी कि सुभान अल्लाह जनाब फलां साहब का तो मस्जिद नबी शी में लंगर चलता है, तो सादा लो मुसलमान फिर हमेशा धोखे में ही रहेगा। और मैंने सुना कि वहां पर उनका हर साल एक खास इस्तेमा होता है जिसमें बड़े बड़े सरमायादारों और सनतकारों को बुलाया जाता है, एक दीनी इज्तिमा होता है, मौलवी भी खरीदे हुए हैं खुशामदी, जो उसमें करामते हैं और उनके फजाइल बयान करते हैं। और पिछले साल जो उन्होंने उसमें खाने का इहतमाम किया 40 लाख रुपया खर्च किया। अब ये ऐसी सूरत हाल है, जब हमें उनके करतूतों का पता चला तो हमने कहा कभी मस्जिद में ऐसे शख्स का माल हम नहीं लगा, वो खां मस्जिद नबी में लंगर बचाए या मस्जिद हराम में लंगर बचाए, ये लंगर खुदा के साथ भी धोखा है और खुदा के बंदों के साथ भी धोखा है। और अल्लाह की जात फरमाती है सूरह बकरा युखादिउन अल्लाह वल्लदीन आमनू, ये मुनाफिक बेईमान खुदा को भी धोखा देना चाहते हैं, अहले ईमान को भी धोखा देना चाहते हैं। वमा यखदाउन इल्ला अनफसहुम वमा यशुरून, ये धोखा तो किसी को दे ही नहीं सकते, ये अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। और पता चला कि उनके जो बड़े बड़े हैं उन सब की कब्रें जन्नत अल बकी में हैं, वहां सऊदी अरब को भी धोखा दिया हुआ है कि जन्नत अल बकी में पैसे दे के जगह ले ली, और बार बार लिटरेचर में लिखते हैं कि मदफूनी जन्नत अल बकी, ऐसा आदमी जो बेईमान मखलूक खुदा की जिंदगियों के साथ खेले वो जन्नत अल बकी में, क्या वो काबे के अंदर भी दफन हो तो फिर भी मरदूद है जालिम। तो ऐसे लो ऐसा भी तजर्बा हुआ। मगर यहां से हम कराची में गए, वहां एक साहब मिले, उनको देख के खुशी भी हुई, वो साबिक मिनिस्टर रह चुके हैं, साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं, मगर वो एक फ्लैट में रहते हैं। हम जब गए तो कोई मगरिब के बाद का वक्त था, उस वक्त बैठे हुए थे, एक अस्पताल चला रहे हैं जिसमें लोगों के लिए खून का इंतजाम भी है और गुर्दे के मरीजों के इलाज का भी, बाकी मरीजों को बहुत मामूली सी रकम पर, और बाज वहां फ्री भी मरीज आकर के इलाज कराते हैं। और उनसे मिले तो देखा वो खुद एक तरफ बैठे हैं, उनका बेटा बैठा हुआ मखलूक खुदा की खिदमत कर रहे हैं। तो हमने कहा दुनिया इसलिए कायम है कि एक तरफ नाम दोनों का तैयब था, ये जो फैसलाबाद का बंदा इसका नाम भी तैयब था और उसका नाम भी तैयब था, मगर दोनों में फर्क जमीन आसमान का था। वहीं से हमें किसी ने बताया यहां एक सैलानी फाउंडेशन है, वो भी मखलूक खुदा की खिदमत करती है, तो वहां जाके पूछा, उन्होंने कहा जो मस्जिद में जाए वहां वो चेयरमैन साहब मिलेंगे। तो जिन साहब ने वहां इमामत कराई, जो दुआ शुरू की इतनी लंबी दुआ की, मैंने कहा अगर ये रावला कोट में हो तो लोग इनको मार मार के भगा दे, मगर कराची के लोगों का हौसला कि वो दुआ सुन रहे हैं, कोई 15-20 मिनट यूं लगता था कि खुदा को मनाए बगैर ये अब दुआ से पीछे हटने वाले नहीं है। बहरहाल जब दुआ से फारे, हमने पूछा जी वो कौन है, वो बशीर फारूकी कौन है, सैलानी के चेयरमैन, पता चला कि वो ही साहब है जो इमामत करा रहे थे। अजीब और गरीब भोले भाले इंसान, लेकिन मुझे उस वक्त यकीन हुआ कि मखलूक खुदा की खिदमत के लिए किसी बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है,
बहुत जहानत की जरूरत नहीं है, इल्म की जरूरत नहीं है, जज्बे की जरूरत है। उस वक्त मुझे याद आया कि फैसलाबाद में मैं एक इदारे में गया तो वहां हजारों पैकेट सामान खुर्दनी अशिया के रखे हुए थे, तो मैंने पूछा ये कैसे है, तो पता चला कि ये कराची से सैलानी वालों ने भेजे हैं गुरबा के लिए, बेवाओं के लिए। एक ऐसा आदमी है जो पगड़ी बांधे हुए मस्जिद में इमामत भी कराता है, दर दर जाके लोगों से भीख मांग करके गुरबा के लिए मांगता है, उसके नसीब पर मुझे रश्क आया। तो ये दुनिया इन्हीं लोगों के दम कदम से कायम है, जहां एक तरफ बुरे लोग हैं वहां एक तरफ अच्छे लोग भी हैं, एक तरफ खुदा के साथ धोखा करने वाले हैं, दूसरे खुदा के लिए, खुदा के मखलूक के लिए बेचैन और बेकरार रहने वाले लोग भी हैं। ये सारी सूरत हाल देख करके फिर मुझे कुरान की वो आयत याद आई, अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यामरु मसाजिद अल्लाह, बिला शुबा अल्लाह की मस्जिदें तामीर भी वही करते हैं, आबाद भी वही करते हैं। इन्नमा यामरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। अल्लाह की मस्जिदें आबाद करना ये हर शख्स के बस की बात नहीं है, वो शख्स आबाद करता है जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है। आप जरा इस पर तवज्जो दें कि किसी शख्स का आखिरत पर ईमान हो तो क्या वो ग्रीस और इस तरह की चीजें जो इंसान के लिए इंतहाई जहरीली हैं, क्या वो साफ करके वो कारोबार कर सकता है? अगर कोई मखलूक है खुदा, कोई खुदा का बंदा इस बात को देखे जो मस्जिद नबी में तुम्हारे उस दस्तरखान को देखता वो तुम्हारे यहां करतूत को नहीं देखता, क्या इस पर बांसबुर्स नहीं होगी? इसका मतलब यह है कि सरमायादार ऐसे ये ऐसा तबका इल्ला माशाल्लाह, इनके दिल से खुदा का खौफ और आखिरत की जवाबदेही का तसव्वुर खत्म हो गया है। और मुझे वहां पता चला कि सरमाया बनता कैसे है, और सरमायादार ये जो करोड़पति अरबपति खरबपति ये कैसे बनते हैं, हलाल से अरबपति खरबपति बनना बहुत मुश्किल है। ये सारा काला धन है, ये सारा टैक्स का चोरी किया हुआ पैसा है, ये सारा हेरोइन और चर्स और इस तरह के नाजायज कारोबार से लोगों ने पैसा लिया हुआ है, इसलिए इन लोगों का पैसा खुदा की जात मस्जिद के लिए कबूल ही नहीं करती। इसी आयत में फरमाया इन्नमा यामरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर व अकाम सला व आता ज़का, ये अल्लाह की मस्जिदें वो लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह और आखिर दिन पर ईमान भी रखते हैं। कितनी सर्दी में आज आप लोगों ने वजू भी किया होगा, कितने ठंडे पानी से वजू किया, कोई आदमी देखने वाला नहीं था, कोई पीछे पुलिस नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है, कोई और आपके पीछे पैरा नहीं है, प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है, मगर अल्लाह और अल्लाह के आखिरी दिन पर यकीन है कि आज अगर हम तकलीफ उठा रहे हैं कल हम आराम भी पाएंगे। अकाम सला जो नमाजी हैं वही अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं, वह आत जका और जो जकात देते हैं। ये जकात की पाबंदी क्यों है? जकात की पाबंदी इसलिए है कि जकात के बगैर आदमी का माल पाक नहीं होता, ज़कात के बगैर आदमी का माल पाक नहीं होता। जब वो माल पाक नहीं होता तो अल्लाह नापाक माल कबूल नहीं फरमाता। इसी आयत में आगे फरमाया कि तुम खुदा की राह में खबीस और नापाक माल का इरादा ना करो। इन्नमा यामरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर व अकाम सला व आता ज़का व लम यख्शा इल्लल्लाह असा उलाएका यकून मिनल मुहतदीन। फरमाया उम्मीद है कि अनकरीब यही लोग हिदायत याफ्ता होंगे। फिर यह फरमाया कि खुदा की राह में खबीस माल न खर्च करो। वह लस्तुम पे आंख दी है इल्ला अंतुक में दो फी ही, कि ऐसा खबीस माल के जो माल तुम्हें दिया जाए तो तुम वो कबूल करना पसंद न करो। खुदा के नाम पे कैसे देते हो? हमें कोई चीज बहुत अच्छी कोई चीज दी जाए लेकिन पता हो कि इसमें खराब अज्ला भी शामिल हैं, कोई बहुत उम्दा तोहफा दिया जाए लेकिन पता हो कि इसमें इसका कुछ ऐसा नापाक भी है, इसका कोई ऐसा मुजर सेद भी है, इसमें कोई खराबी है, इसमें कोई खामी है, तो क्या हम कोई तोहफा कबूल करेंगे? हरगिज कबूल नहीं करेंगे, वापस कर देंगे। थोड़ा हो लेकिन साफ सुथरा हो, उसके मुकाबले में जो बहुत ज्यादा हो मगर उसमें कोई ऐब हो, बुराई हो, खामी हो, नाकिस हो। अल्लाह ने फरमाया वला तयम्मुल खबीज, खुदा के मंदो खुदा के राह में खबीस माल न देना। अल्लाह की जात खबीस माल को कबूल नहीं करती। ये माल खबीस कैसे होता है? ये माल नाकिस कैसे होता है? ये माल बुरा पलीद कैसे होता है? ये माल पलीद उस वक्त होता है जब नाजायज राय से हासिल किया जाए या जायज राय से हासिल किया जाए मगर अल्लाह का हक अदा न किया जाए। यही माल ये पलीद हो जाता है। ये
تعفن والا ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا خود من اموالہم صدقتن تو طاہرہم و تو زکیہم بہا و صلی علیہم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود من اموالہم صدقہ, آپ ان لوگوں کے مال میں سے صدقہ یعنی زکات لیا کریں. کیوں؟ تو طاہرہم تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے, ان کے دل بھی پاک ہو جائیں. و تو زکیہم بہا, تمہارے زکات کے اموال وہ حصہ لینے سے ان کا بقیہ مال پاک ہو جائے گا. مال پاک کیسے ہوتا ہے؟ زکات دینے سے پاک ہوتا ہے. جو شخص زکات ادا نہ کرے, ناجائز ذرائع سے مال حاصل کرے, خدا کا مال ہڑپ کر جائے, یہ مال اب پاک نہیں ہے. یہ خدا کی ذات اب مسجدوں کے لیے لے گی نہیں ہے. یہی وہ نقطہ ہے جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بہت سارے ارب پتی کھرب پتی ایسے ہیں جو چاہیں تو ان کی ایک دن کی آمدنی سے خدا کا کوئی گھر بن سکتا ہے, مگر خدا نے توفیق نہیں دی ہوئی ہے. یہ توفیق اہل ایمان آپ کو مبارک ہو, آپ کو توفیق ہے کہ جو اپنا پیٹ کاٹ کر کے خدا کے گھر آپ آباد بھی کرتے ہیں, خدا کے گھر آپ تعمیر بھی کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ کے مال میں وہ خباثت نہیں ہے, آپ کے مال میں وہ ناپاکی نہیں ہے, آپ کے مال میں وہ برائی نہیں ہے جو ان بڑے بڑے سرمایہ داروں کے مال میں ہے. کہ جو زکات ادا نہ کریں, ناجائز ذرائع سے مال لیں. اور مجھے برطانیہ میں ایک شخص ملا, مجھے اس کی قسمت میں بڑا رشک آیا. اس نے کہا میں زکات نہیں دیتا, میں زکات نہیں دیتا. پتا چلا کہ یہ آدمی مسجد بہت بنواتا ہے, رہاڑے میں ایک عظیم شان مسجد اس نے بنوائی ہے. تو میں نے پوچھا زکات نہیں دیتے تو پھر مسجدیں بنوانے کا کیا فائدہ؟ اس نے کہا زکات اس لیے نہیں دیتا کہ میں سال کے آخر میں حساب کر کے اپنے پاس اتنا چھوڑتا ہی نہیں ہوں کہ جس پہ زکات فرض ہو. سال کے آخر میں حساب کرتا ہوں, ہر مہینے پنشن مل جاتی ہے, تو سال کے آخر میں جتنا مال ہوتا ہے وہ سارا خدا کی راہ میں, مساجد میں, مساکین میں, غربا میں تقسیم کر دیتا ہوں. ایسے بھی اللہ کے نیک بندے دنیا میں ہیں جن کے دم قدم سے یہ دنیا آباد ہے. لہذا یہ مسجدیں بنانا, اللہ کا گھر بنانا, بندہ خدا کا گھر بنائے, اس سے زیادہ اور کیا عظمت کی بات ہو سکتی ہے؟ بندہ خدا کا گھر بنائے. اس لیے اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی مسجد, بہت بڑا حصہ کوئی ڈال دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدن قدرا مفخص قطاطن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی شخص اگر چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنا لے تو خدا اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا. اور دوسری روایت میں یہ ہے او اصغر من ذلک, ضروری نہیں ہے کہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر, اس سے چھوٹی بھی مسجد بنا دے تو پھر بھی خدا کی ذات اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گی. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا چڑیا کے گھونسلے سے چھوٹی بھی مسجد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. مقصد ایسا شامل کرنا ہے کہ آپ نے یہ خدا کا گھر بنایا, اس میں آپ کا حصہ اتنا ہے کہ اگر اس کو الگ اس سے مسجد بنائی جاتی تو چڑیا کا گھونسلہ بھی نہیں بن سکتا تھا. پھر بھی خدا کی ذات یہ وعدہ کرتی ہے اہل ایمان سے کہ جس نے اتنا بھی خدا کا گھر بنا دیا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اور دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا من بنا للہ مسجدن یبتغی بہ وجہ اللہ, کہ خدا کے خاص خدا کی رضا کے لیے گھر بنائے, دنیا کے لیے نہیں. دنیا کے لیے اگر کسی نے مسجد بنا بھی دی کہ نام ہو جائے گا جناب فلاں صاحب نے, فلاں سیٹھ صاحب نے اور فلاں حاجی صاحب نے وہ اتنی بڑی مسجد بنا لی, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. مخلص آدمی, کئی ایسے لوگ ہیں جو مسجد کے لیے پیسہ دیتے ہیں مگر ساتھ یہ کہتے ہیں ہمارا نام نہیں لینا, ہمارا نام نہیں لینا. ہم نام اس لیے لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلتا رہے, تاکہ ہماری طرف سے کوئی بات ایسی ابہام میں نہ رہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں. تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص خدا کا گھر بنائے خالص اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی ذات اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں, آپ کہتے ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے بنا المسجد فی الدور وان تو نظف تو طیب, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں آبادی ہو جائے وہاں مسجد بنا لینی چاہیے.
जहां आबादी हो वहां मस्जिद बना ली लेनी चाहिए। लेकिन फरमाया वान तो नज़फ़त तैयब, लेकिन मस्जिदें खूबसूरत भी हों, साफ सुथरी नजीब होनी चाहिए। खुदा का घर हमारे घरों से अच्छा होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की ताकीद फरमाई। हज़रत समरा रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, अपने बेटे को खत लिखा, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का हवाला दिया। अमरना कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अमरना बिल मसाजिद, अल्लाह के रसूल मस्जिदों के बारे में हमें हुक्म देते थे कि कैसे क्या करें, अन नस्ना आफिद दूर, कि हम अपनी आबादियों में मस्जिदें बनाएं, वह नुस्लहा सनाता, और उसमें हम जिसको कहते हैं रिपेयरिंग, आज के दौर में मरम्मती भी मस्जिदों की हो जानी चाहिए और मस्जिदों को पाक साफ रखना चाहिए। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद है, मस्जिदें बने, ये जहां जरूरत हो वह मस्जिद बने, मस्जिद पाक साफ हो खालिस अल्लाह के रजाल के लिए। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप मदीना तैयबा तशरीफ ले गए तो आपने 14 दिन तक अमर बिन औफ के मोहल्ले में क्याम फरमाया। उस वक्त तक अब भी मस्जिद कोई नहीं थी। बनू नजार एक कबीला था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, उनकी जगह जो मौजूदा मस्जिद नबी की जगह है यहां पर उनको बुलाया गया, और उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि यहां पर मस्जिद बनाने का मुद्दा था, और उनसे कहा गया सामनूनी भी हाय देगम, रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम अपनी जमीन की कीमत मुझे बताओ, मैं यहां मस्जिद तामीर करना चाहता हूं। उन खुश नसीब बंदों ने क्या कहा, उन्होंने कहा ला वल्ला है ला नतलुब समन हो इल्ला इल्लल्लाह अज़्ज़ा व जल, कहा या रसूलल्लाह खुदा की कसम इसकी कीमत हम आपसे नहीं लेंगे, अल्लाह की जात से लेंगे, अल्लाह की जात से कीमत लेंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद शरीफ तामीर कराई। जब मस्जिद नबी तामीर हुई तो मस्जिद नबी की तामीर क्या थी, खजूर के तनों पर उसका सारा ढांचा खड़ा था, जितने सूंड थे वो खजूर की लकड़ी थी, और उसकी दीवारें कच्ची ईंट की थी, छत भी वो भी कच्ची थी, लकड़ी वहां इस्तेमाल हुई थी। हजरत अबूबकर सिद्दीक का दौर आया मस्जिद ऐसी रही, हजरत उमर का दौर आया तो मस्जिद में तब्दीली की गई, लेकिन तब्दीली क्या हुई, ये मस्जिद वो शहीद करके दूसरी मस्जिद बनाई गई, लेकिन और कोई खास इजाफा नहीं हुआ। हजरत उस्मान का दौर है, हजरत उमर का जो दौर था ये बड़ा सुनहरी दौर था, बड़ी फतवाहत हुई, हालात तब्दील हो गए, लोगों का रहन सहन तब्दील हो गया, इतनी दौलत आ गई मदीना तैयबा में कि जब हजरत उमर ने मदीना तैयबा में कैद पड़ा तो मिस्र के गवर्नर को लिखा कि मदीना तैयबा में कैद पड़ गया है, लिहाजा वहां से गल्ला भेजा जाए। तो अमर बिन आस ने, मिस्र के गवर्नर ने वहां से लिखा कि अमीरुल मोमिनीन आप मुतमईन रहें, मैं मिस्र से गल्ले के ऊंटों का इतना लंबा काफिला भेज रहा हूं कि जब पहला ऊंट मदीना तैयबा पहुंचेगा तो आखिरी ऊंट अभी मिस्र की सरजमीन से गुजर रहा होगा, फिक्र ना करना। अब मिल्लत इस्लामिया में अब दौलत की बड़ी रेल बेल हो गई है, अगर मदीना तैयबा में कैद साली है तो बाकी आलम इस्लाम में कैद साली नहीं है। जब ये दौर आया, उसके बाद हजरत उस्मान का जब दौर आया तो हजरत उस्मान ने क्या किया, वगैरह उस्मान, हजरत उस्मान ने मस्जिद नबी शरीफ को शहीद करके सारी वजह तब्दील कर ली, सारी वजह तब्दील हो गई। पहले लोगों के घर भी कच्चे थे, मस्जिद भी कच्ची थी। पहले अबू बकर के दौर में लोगों के घर भी कच्ची ईंटों से बने हुए थे, खुदा का घर भी कच्ची ईंटों से बना हुआ था। अब जब दौलत की रेल पेल हुई, लोगों के घर अच्छे बन गए। वाह बना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु जिदारा हो बिल हजारतिल मुनक्कशा, तो हजरत उस्मान ने जब अब मस्जिद नबी की तामीर शुरू की तो मस्जिद नबी की तामीर में पहले कच्ची ईंटें थी, अब नक्शदार मुनक्कश पत्थर लगाने शुरू कर दिए। पहले जो सतून थे वो लकड़ी के थे, लेकिन अब वही मुनक्कश उम्दा खूबसूरत पत्थर मस्जिद नबी के सुनों में इस्तेमाल हुए, और उसकी जो छत बनी उस दौर की, क्या आज तक जो कीमती तीन लकड़ी सागवान की है, सागवान की लकड़ी उस्मान ने इस्तेमाल की। क्यों? इसलिए कि बाकी वजह कदर तब्दील हो गई थी। यही मरला मैं सोचता हूं हमारे लिए अब वही मरला आ गया है। कौन सा? जो मस्जिद नबी की तारीख में हजरत उस्मान के दौर में मरला आया था। एक जमाना ऐसा था इस मस्जिद के कुर्ब जवार में कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, अब चारों तरफ तीन तीन मंजिला इमारतें यहां बन गई हैं, खूबसूरत इमारतें बनी हैं। अब इसके दरमियान खुदा का घर, ये अब हमारे ईमान को दावत देता है।
अगर ये बाकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है बनी और खुदा का घर ऐसा ही रहा तो जिम्मेदार हम तो कम होंगे, ये इंतजामिया और हुकूमत जिम्मेदार है, इन पर और भी बहुत जिम्मे हैं, मगर अब इनको तो कोई इसकी परवाह ही नहीं है। हमारी हुकूमतों को परवाह है ना, इंतजामिया को परवाह है, क्योंकि ये मस्जिद में आते ही नहीं है। ये मस्जिदों की रगबत तो उसको होती है जो मस्जिद में आता है। आप मस्जिद में आते हैं, आप महसूस करते हैं कि ये मस्जिद हमारे लिए नाकाफी है। जो मस्जिद में आए ना उसको मस्जिद की कोई जरूरत नहीं होती, मगर ये हमारी जरूरत है। और ये हमारी जरूरत इसलिए है कि हमारे जद्दे अमजद ने खुदा से ऐद किया था, वाहिदना इला इब्राहिम व इस्माइला अंतहरा बैतिया लिताइफीना वलआकिफीना वररुका इसजूद। अल्लाह की जात कुरान में कहती है हमने इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से ऐद लिया था कि खुदा के घर तामीर करके इसको साफ सुथरा रखना। हमारे जद्दे आला इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो खुदा से ऐद किया था उसी ऐद के हम भी पाबंद हैं, हम उसी ऐद के पाबंद हैं जो हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खुदा के साथ किया था। हम अपनी बसात के मुताबिक खुदा का घर इंशाल्लाह शाया निशान बनाएंगे और उस अंदाज से बनाएंगे। आज भी जो इस काफले में जो इस मकसद में शामिल होगा आज भी उसके लिए वही दुआ है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शीफ तामीर फरमा रहे थे और जब सहाबा पत्थर ला रहे थे, ईंटे ला रहे थे, गारा ला रहे थे तो जजर पड़ते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशल आखिरा फाखरिल अंसार अबल मुहाजरा, कि ऐ अल्लाह कोई जिंदगी नहीं है मगर आखिरत की जिंदगी है, या अल्लाह इन महाजरीन को भी बख्श दे और इन अंसार को भी बख्श दे। अल्लाहुम्मा अग़फिर अंसार अबल मुहाजरा, जो रसूल अल्लाह की दुआ उन अंसार और महाजरीन के लिए थी आज वही दुआ हमारे लिए भी है। वो बंदे, वो अल्लाह के बंदे जो खुदा के घर आबाद करते हैं, तामीर करते हैं, आज भी अल्लाह के रसूल की दुआ है। और वो दुआ क्या है? दुआ ये है अल्लाहुम्मग़फिर अंसार वल महाजरा, या अल्लाह अंसार व महाजरीन को बख्श, यानी क्यामत में तक आने वाली हर मिल्लत का हर वो फर्ज जो इस काफले में, जो इब्राहिमी काफले में शामिल होगा उसके लिए रसूलुल्लाह की वही दुआ होगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आदमी के मरने के बाद जो चीज उसको सबसे ज्यादा काम आती है उसमें एक मस्जिद भी है। ये मस्जिद जब तक रहेगी क़यामत तक आदमी इसमें नमाजें पढ़ेंगे, नमाजें पढ़ने वाले और होंगे लेकिन तामीर करने वालों को अपनी कब्रों में सवाब मिलता रहेगा। मन अस्तक मेरे अल्लाह कीला, हर शख्स की बात पर शुबा हो सकता है, हर शख्स के वादे पर शुबा हो सकता है, मगर अल्लाह की जात कहती है मन अस्तक मेरे अल्लाह कीला, मन अस्तक मेरे अल्लाह हदीसा, बंदो खुदा से ज्यादा सच्चा कोई नहीं है। उसने अगर वादा कर लिया मम बना लिल्लाह मस्जिद बन अल्लाह बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में कोई खुदा का घर बनाया अल्लाह ने उसके लिए जन्नत में घर बना दिया, तो ये वादा कभी इसके खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। मगर उसके लिए जरूरी है वही लोग अल्लाह के घरों को आबाद कर दें जिनका माल अच्छा है, पाकिजा और साफ सुथरा है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि मार्च से हम इसमें कोई तोसी का काम शुरू कर दें। हमारे लिए पास इस तरफ ही मस्जिद की जगह मौजूद है, पीछे भी जगह मौजूद है, इंशाल्लाह ये शायन शान मस्जिद बनेगी और आपका तामन इसी तरह से रहेगा। मैं आपकी खिदमत में एक बात ये भी गुजारिश करना चाहता हूं, आम तौर पे तो मैं आपको पहले बताता हूं, आपसे इजाजत भी लेता रहता हूं, लेकिन मुझे पता है कि आप मुझे इजाजत दे देते हैं इसलिए बात मैं फैसला पहले करता हूं, इजाजत आपसे बाद में लेता हूं। अब चूंकि यहां रावला कोट की फजा बहुत ठंडी हो गई है, लेफ में लिहाफ में आदमी घुसता है तो नींद आती है, बाहर निकलता तो ठंड लगती है, काम करने का है भी कोई नहीं, तालीम और तदरीस भी कोई नहीं है, तो मेरा इरादा है कि मैं कोई एक डेढ़ महीने के लिए यूरोप चला जाऊं और वहां पर कई प्रोग्राम मेरे साथियों ने वहां तरतीब दिए हैं, कई लेक्चर हैं, मुख्तलिफ जगह सेमिनार हैं, तो अब मेरा इरादा है कि अगले जुमे से पहले मैं इंशाल्लाह वहां जाऊंगा। वहां पर भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलखुसूस जो मनाया जाता है उसमें जो इस्लाम की अजमत का इजहार होता है वो गैर मुस्लिम देखकर परेशान हो जाते हैं कि ये मुसलमान हम समझते हर लिहाज से ये बिखरे हुए कौम है, लेकिन जश्न ईद मिलादुन नबी में जो जुलूस निकलते हैं उस जुलूस से इस्लाम की अजमत का इजहार होता है। और मैं भी कई दफा कई जुलूसों में शरीक हूं, इंशाल्लाह वहां भी शिरकत होगी। यहां पर भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मनाया जाता है, अगर इस दफा ठंड में होगा, लेकिन आपने पूरे जोक शौक से इसका एहतमाम करना है।
पूरे जोक शोक के साथ। और ये जश्न ईद मिलाद नबी किसी एक फिरके का नहीं है, ये हिंदुस्तान में जो बाकायदा ये जश्न मनाया गया इसमें सारे उलमा मौजूद थे, इसमें अल्लामा इकबाल और पीर गोलड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये सारे लोग मौजूद थे। पीर मेरे अली शाह साहब ने और अल्लामा इकबाल ने एक अपील की मुसलमाना ने हिंद के नाम के मुसलमाना ने हिंद को अपने नबी का योम वलादत शायन शान तरीके से मनाना चाहिए। और अमृतसर में जो पहला जुलूस निकला उसमें अहले हदीस के उलमा थे, उसमें दियोबंद मकतबा फिक्र के थे, बरेलवी मकतबा फिक्र के थे। लिहाजा आज भी उसी बात की जरूरत है, उसी माहौल की जरूरत है कि हमें नबी को तकसीम नहीं करना चाहिए बल्कि नबी की जात ही तो हमें यकजा करने का एक जरिया है। जिनके असलाफ ने यह काम शुरू किया था आज उनको इस मौके पे लिटरेचर शाया करके अपनी तवानाइयां जाया नहीं करनी चाहिए और मस्जिदों पर मेहराबों पे खुतबात इसके खिलाफ देकर के अपनी जबान को आलूदा नहीं करना चाहिए, मुसलमानों के जहनों को परागंदा नहीं करना चाहिए। हमारे असलाफ हमारे अकाबरीन ने जो काम किया वो हमसे ज्यादा दीन का दर्द रखते थे, हमसे ज्यादा मिल्लत की मसलियतों को समझते थे। लिहाजा यहां पर भी ये चीज शायन शांत तरीके से मनाई जानी चाहिए। इंशाल्लाह मैं मार्च के पहले हफ्ते में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह ताला हम सबको खैरियत आफियत से रखे और अपने याद की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।